हेलो फ्रेंड्स, मैं हिशु अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल लेट्स डू समथिंग न्यू में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं ये बहुत ही खूबसूरत सी अट्रैक्टिव सी हेयर एक्सेसरी। इसे बनाना बहुत ही इजी है फ्रेंड्स। इसे बनाने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकन, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन पहुँचे सबसे पहले आप तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए है। इसके लिए हमें चाहिए ग्लू गन, सीजर, ट्विजर, माचिस, कैंडल, ब्लैक कलर की या ग्रीन कलर की फेल्ट और कोई भी कलर के सैटन रिबन्स। तो चलिए बनाते हैं इसे। सबसे पहले हम रोज बनाने वाले हैं, मैं पिंक से बना रही हूँ। इसका एक कॉर्नर ऐसे ट्रायंगल फोल्ड कर लीजिए और ज़रा से यहाँ पर हॉट ग्लू लगा लीजिए और रोल कर लीजिए इस तरह से। अब फिर से इसको पीछे की तरफ ट्विस्ट करेंगे और ग्लू लगाते हुए इसको इस तरह से पीछे ट्विस्ट करते हुए ग्लू लगा के इसको रोल कर देंगे। एक ट्विस्ट, एक रोल। फिर से हमने ट्विस्ट किया है, ग्लू लगाई है और रोल किया है। बस इसी तरह से हमें पूरा रोज बनाना है। एक बार ट्विस्ट करेंगे, देखिए इस तरह से पीछे को ट्विस्ट करेंगे, हल्की सी ग्लू लगाएंगे और रोल कर देंगे। रोल करेंगे जहां तक हमारा ये मोड़ होता है, ताकि हम वहां से उसको आगे ट्विस्ट कर सके। ये देखिए, बस इसी तरह से ट्विस्ट करते जाना है और रोल करना है। ये तब तक प्रोसेस करना है जब तक कि हमें हमारा इच्छा अनुसार साइज नहीं मिल जाता है। मतलब जो भी साइज आप बनाना चाहते हैं उस साइज तक आप इसको इस तरह से ट्विस्ट कीजिए, ग्लू लगाइए और रोल करते जाइए। जब आपको आपके पसंद का साइज मिल जाए तो आप एक्स्ट्रा रिबन काट दीजिए। इसलिए मैंने रिबन का मेजरमेंट नहीं बताया कि कितना लीजिए रिबन, क्योंकि आपको जितना साइज का फ्लावर चाहिए है आप इसको इस तरह से ट्विस्ट करके रोल करते जाइए। मुझे लग रहा है ये बहुत है साइज, तो हम इसको रिबन को काट देंगे और ये जो बाकी का पार्ट है इसको भी इस तरह से पीछे की तरफ सारा टक कर लेंगे और यहाँ पर ग्लू लगा के इसको अच्छे से सील कर देंगे। कोई भी पार्ट इसका इस तरह से नहीं छोड़िएगा कि आगे की तरफ दिखे, पीछे कैसा भी होगा चलेगा, क्योंकि हमें इसके ऊपर भी फेल्ट लगाना है। और ये जो उभरा हुआ पार्ट है इसका, ये हम काट देंगे। देखिए कितना प्यारा रोज बना है। चलिए बनाते हैं एक पर्पल कलर से रोज। बिल्कुल उसी तरीके से करना है, हमने पहला एंगल इस तरह से मोड़ लेना है ट्रायंगल की तरह, फिर इसको हल्का हल्का घुमा के रोज का सेंटर पार्ट देते हुए बस ट्विस्ट करना है और रोल करना है। लीजिए बन गया आपका एक और रोज। चलिए बनाते हैं इसकी पत्तियां। इसके लिए हमने 4 सेंटीमीटर रिबन को इस तरह से डबल में फोल्ड कर लिया है और इसको डायगनली काट लेंगे इस तरह से। तो इससे हमारी दो लीव्स जो है रेडी हो जाएंगे इस तरह से। इनको जोड़ने के लिए हमें कैंडल का यूज करना है। इस तरह से इसको मिलाएंगे और एक ट्विजर में पकड़ लेंगे अच्छे से और कैंडल की हेल्प से इसको हम सील कर देंगे। ये देखिए, अब चाहिए तो आप इसको सीधा भी कर सकते हैं इस तरीके से। पत्ती कितनी सुंदर बनकर तैयार हुई है। और ये जो दो पार्ट्स हैं इनको भी बिल्कुल उसी तरह से, जो हमारा तिकोना वाला साइड है ना, उसको हम ट्वीज़र में पकड़ेंगे और इस तरह से उसको सील कर देंगे। ये देखिए, अब ये नीचे से ज़्यादा ब्रॉड है तो हम नीचे से इस तरह से इसको पकड़ के पिंच कर लेंगे और नीचे से चिपका देंगे ग्लू से, या हॉट सील कर देंगे इसको कैंडल से। इसी तरह से हमने बाकी की भी लीव्स बना ली हैं। अब बारी आती है इनको असेंबल करने की। तो इसके लिए हमने एक फेल्ट का पीस लिया है, इसको हम 1 से 1.5 डायमीटर सर्कल में काट लेंगे। मैंने आइडिया से काट लिया है, आप अपने रोज़ के साइज़ के अकॉर्डिंग इसको काटिएगा, ताकि ये बाहर भी ना दिखे और पीछे का सारा उसका छुप भी जाए। ये देखिए, हमने तीनों सर्कल काट लिए हैं। अब हम इसको हाफ फोल्ड करेंगे और 2 कट्स लगाएंगे। ये देखिए, दोनों कट लगा लेंगे, बहुत ज्यादा डीप नहीं करिएगा, बस इतने।
अब इनको इसके पीछे लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लीव्स को चिपका लेंगे रोज के ऊपर इस तरह से। आप कोई भी सिलिकॉन ले सकते हैं, मैंने हॉट सिलिकॉन लिया है, आप कोल्ड सिलिकॉन भी ले सकते हैं, लेकिन ये चिपकेंगे सिलिकॉन से ही। ये देखिए, ये जल्दी चिपक जाता है, इसलिए हम लोग सिलिकॉन का यूज करते हैं। अब हम इस ब्लैक फेल्ट को सिर्फ इसके किनारों को ग्लू लगाते हुए इसके ऊपर इस तरीके से चिपका देंगे, अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि हमारा रोज जो है बिल्कुल भी उखड़े नहीं। अब देखिए, जो हमने बीच में से पार्ट बनाया था वो इसलिए बनाया था ताकि आप इसमें अपनी कोई हेयर पिन या कोई हेयर क्लिप इस तरह से इंसर्ट कर सके। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए इसी तरह से आप मेरा साथ देते रहिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।